काफी इम्प्रूवमेंट है पहले से, मतलब 80-90% इम्प्रूवमेंट है सर। ठीक है, मैं आपको आगे का मेडिसिन भेज। दोस्तों आपने अभी ये जो कन्वर्सेशन सुना, ये हमारा और हमारा एक पेशेंट का है जिनको पिछले 2 साल से सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी, और आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे इनका सेक्स प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया, जो कि सिर्फ 2 महीना में लगभग 90% सॉल्व हो चुका है। वो कैसे सॉल्व हुआ, हमारा क्या अप्रोच रहा, हम लोगों ने इनको ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन खिलाई जिससे कि इनका प्रॉब्लम एकदम जड़ से समाप्त हो गया, तो आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर सुप्रियोत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों ये जो पेशेंट है ये हमारे पास आए थे लास्ट ईयर दिसंबर में ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। इनको भी वही कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत देखी जाती है, लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, लैक ऑफ लिबिडो, तो यही सब प्रॉब्लम्स ये पेशेंट भी फेस कर रहा था। और मेरे पास आने से पहले इनका बहुत जगह से इलाज भी चला, उनमें से 2 बड़े यूट्यूब के सो कॉल्ड होम्योपैथ भी थे जिनका वीडियोस आप लोग बड़ी चाह से देखते हो, मगर दुख की बात यह है कि किसी एक भी होम्योपैथ ने इनका केस को सही से रीड ही नहीं कर पाया, पढ़ ही नहीं पाया। ये जो पेशेंट है ये केस टेकिंग के दौरान बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा था, बार बार एक ही बात को दोहरा रहा था। उस पर अगर कोई एक भी होम्योपैथ ने गौर फरमाया होता तो ये जो पेशेंट है ये कब का ठीक हो गया होता, और इनको मेरे पास आने की नौबत ही नहीं आती। दोस्तों ये जो पेशेंट है इनको आज से 3 साल पहले ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हुआ था, और टीबी होने का बाद से ही इनको जितने भी सेक्स संबंधित प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट हुआ। उससे पहले ये पेशेंट बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। ये पेशेंट बार बार दोहरा रहा था कि मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन जब से मुझे टीबी हुआ उसके बाद से ही मुझे ये प्रॉब्लम्स डेवलप हुई है, और उसी के बाद इनको स्टैमरिंग यानी हकलाने का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया जो कि ये पहले नहीं हकलाया करता था। तो सेक्स प्रॉब्लम और स्टैमरिंग ये दोनों ही स्टार्ट हुआ टीबी होने का बाद से, पहले इनको नहीं थी। और जब मैं इस पेशेंट का केस टेकिंग कर रहा था इस बात को इन्होंने कम से कम 10 बार दोहराया कि सर मैं इससे पहले बिल्कुल भी ठीक था, मुझे कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से मुझे टीबी हुआ है उसके बाद से ही ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हुआ है, और इसी बात से मुझे इस पेशेंट का प्रॉब्लम का जो जड़ था, जो रूट कॉज था, वो मुझे दिख गया था, और वो जड़ है साइड इफेक्ट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन। यानी जब इनको टीबी हुआ था और टीबी के लिए जब इनको एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन दी गई थी उसी इंग्लिश मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट है। तो अगर आज मेरा ये वीडियो कोई होम्योपैथ देख रहा है तो हमेशा एक चीज को याद रखे, व्हेन यू एवर कम अक्रॉस पेशेंट हु हैव सफर्ड फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन, सो प्लीज इन सच केसेस डू रिमेम्बर ए ड्रग नेम व्हिच इज नोन एज स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन है जो मेडिसिन है ये टीबी पेशेंट में ही दी जाती है, बट जब आपको कोई ऐसा पेशेंट मिले कि इंग्लिश ट्यूबरकुलर मेडिकेशन के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट चालू होता है पेशेंट में, और वो साइड इफेक्ट कुछ भी हो, टॉप टू बॉटम कुछ भी हो सकता है। इस केस में मैंने सेक्सुअल प्रॉब्लम और स्पीच प्रॉब्लम के लिए स्टेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपका पेशेंट को अगर कोई और प्रॉब्लम है फ्रॉम टॉप टू बॉटम कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर आप आंख बंद करके स्टेप्टोमाइसिन के बारे में सोचिएगा। लेकिन एलिमेंट आफ्टर बैड इफेक्ट्स ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन ही होनी चाहिए, तभी स्टेप्टोमाइसिन काम करेगी, अदरवाइज नहीं। और इस पेशेंट को मैंने स्टेप्टोमाइसिन 200 और 1 ml का एक सिंगल डोज ही दिया है अब तक, और आज तकरीबन 2 महीना हो चुका है इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चलते हुए, और इनका प्रॉब्लम कम से कम 90% तक सॉल्व हो चुका है। पिछले 2 साल से वो यहाँ वहाँ के मेडिसिन खा रहे थे लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही महीना ट्रीटमेंट इनका चला और इनका प्रॉब्लम कम से कम 80-90% सॉल्व हो गया। और इसी के साथ इनका जो स्टैमरिंग प्रॉब्लम थी, जो हकलाने का प्रॉब्लम थी, वो भी कम से कम 60-70% सॉल्व हो गया। मैं फिर से चाहूंगा कि आप लोग इस पेशेंट का फीडबैक एक बार पूरा सुने। हेलो जी, मैं बोल रहा था डॉक्टर दत्ता। जी जी जी, आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं सेक्स प्रॉब्लम का जो ट्रीटमेंट चल रहा है 2 महीने से, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आपको हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, जो आपका जो मेरा जो चल रहा था दवाई वगैरह वो तो चल रहा था दिसंबर से, तो बहुत ही अच्छा उसका फीडबैक है मेरे तरफ से। अभी अभी काफी इम्प्रूवमेंट मेरे को इसमें दिख रहा है। पहले जैसे कि काफी दिक्कत था,
काफी ये सब मामला में मैंने तो आपको सभी कुछ शेयर किया है। हाँ हाँ शीघ्र पतन का हाँ लैक ऑफ अभी जो डॉक्टर साहब अभी क्या हो रहा है कि अभी अभी फिजिकल इंटीमेसी का डिजायर बढ़ रहा है, इरेक्शन रह रहा है देर तक, मतलब बहुत सारा पॉजिटिव चीज हो रहा है, अब पहले जैसा नहीं रहा, स्पर्म काउंट भी बढ़ रहा है, काफी अच्छा है, पहले से पहले जैसा दिक्कत नहीं है, काफी इम्प्रूवमेंट है पहले से, मतलब 80-90% इम्प्रूवमेंट है सर। ठीक है, मैं आपको आगे का मेडिसिन भेज देता हूँ कल, ठीक है? थैंक यू। और इस महीना मैंने इस पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन 10 mg का एक सिंगल डोज अभी तक दे दिया है। तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि कैसे एक सटीक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से सिर्फ 2 ही महीनों में इम्पोर्टेंसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, लैक ऑफ लिबिडो, सिमन की क्वालिटी सभी में इम्प्रूवमेंट लाया गया है। जबकि किताब में कहीं पर भी स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये सेक्सुअल स्पेयर में काम करती है। तो यही है क्लासिकल होम्योपैथी, यही है इसकी खासियत, यही है इसकी सुंदरता। यहाँ पहले से कोई भी रेमेडी सेलेक्ट नहीं रहता है हमारे लिए, और इसीलिए होम्योपैथी में मेडिसिन केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिक्सिटी ऑफ आइडियाज डजंट वर्क इन होम्योपैथी। जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें नए तरीके से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है उसके लिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।